गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम, हाउ आर यू? वी वी आर आर फाइन फाइन मैम। व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। चलिए, आज के सेशन में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र युग निर्माता कवि के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे आप लोगों से। आप लोग तैयार करके आए हो तो सबसे पहले उनके बारे में जानकारी देंगी मुस्कान। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। अल्पावस्था में ही इनके माता पिता के देहांत हो गई, इसलिए ये स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगला तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा इन्होंने कई सारी रचनाएं भी की, जैसे ग्रंथों में दान लीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, बकरी का विलाप, सत्सई श्रृंगार, कृष्ण चरित्र, अंधेर नगरी, चौपट राजा, हास्य काव्य व्यंग आदि। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई। चलिए अभिषेक यादव। यस मैम, मैं भारत महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1868 को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। हिंदी साहित्य। बेटा आपकी आवाज जो है क्लियर आ नहीं रही है। यस मैम। हाँ बोलिए मैम। महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1880 को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। वह हिंदी साहित्य के पितामह भी माने जाते थे। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। अर्थव्यवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, अतः स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे। घर पर रहकर हिंदी, मराठी, बंगला, उर्दू तथा हिंदी, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। ग्रंथों में दान लीला, कृष्ण चरित्र, सत्सई श्रृंगार, होली मधुमुकुल, भारत विरत, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राजा हास्यभंग, प्रधान खाद्य आदि का रचना किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि कई क्षेत्रों में उनका योगदान अपूर्व है। इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी माना जाता है। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी इन्हीं के द्वारा हुआ। इनका निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ। बहुत अच्छा बेटा। चलिए गौरव सुनाएंगे। गौरव। यस मैम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अल्पावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। स्कूली शिक्षा असमर्थ होने के कारण इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी प्रभु रचनाएं में ग्रंथों में दान लीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र, सत्सई श्रृंगार, होली मधुमुकुल, भारत विरत, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, बंदर सभा, बकरी का विलाप, अंधेर नगरी, चौपट राजा, हास्य व्यंग, प्रधान काव्य आदि रचनाएं की। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में इनकी देन अपूर्व थी। इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी माना जाता था। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी इनके द्वारा ही किया गया। इनका मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुआ।
चलिए अखिलेंद्र प्रताप आप सुनाएंगे। मैम भारतेंदु हरिश्चंद जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी थे, जो वह गिरधर दास नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में कभी गिरधर का नाम सुने होंगे, गिरधर लाल यही थे भारतेंदु जी के पिता। एक जो है कविता लिखते थे, तो जो कविता लिखने की जो इनको मिली है विरासत में मिली है अपने पिता द्वारा, गिरधर के नाम से कविता लिखते थे। हाँ चलिए अखिलेंद्र। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्र छाया उनके सिर से उठ जाने के कारण उन्हें उनके वत्स्यालय में से वंचित रहना पड़ा तथा उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया। अपने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया। वह स्वभाव से अति उदार थे। दीन दुखियों की सहायता, देश सेवा और साहित्य सेवा में उन्होंने अपने धन को लुटाया। इस उदारता के कारण उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई तथा वे ऋणग्रस्त हो गए। ऋण की चिंता से उनका शरीर क्षीण हो गया। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा। भारतेंदु हाँ सुनाइए बेटा प्रश्नों के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गद्य साहित्य के द्वारा एक ओर देश प्रेम का संदेश दिया और दूसरी ओर समाज की कुरीतियों तथा विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग एवं कट प्रहार किए। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा निष्ठा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। आप वीडियो बंद कर रखी हो अखिलेंद्र प्रताप? नो मैम। चलिए बेटा बहुत अच्छा आपने सुनाया। चलिए खुशी अब आप सुनाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी थे, जो वे गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाल व्यवस्था में ही माता पिता की छात्र छाया उनके सिर से उठ जाने के कारण उन्हें उनके वत्सालय में वंचित रहना पड़ा, अतः इनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया। अपने घर पर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया। स्वभाव से उदार थे। 6 जनवरी 1985 में 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए बेटा अनुराग आप सुनाएंगे। अनुराग भारतेंदु हरिश्चंद जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अल्पावस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, अतः स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे। घर पर ही रहकर उन्होंने हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू
तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, उनमें से कुछ हैं ग्रंथों में दान लीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र, सतसई श्रृंगार, होली मधु, मुकुल, भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, बंदर सभा, बकरी का विलाप, अधेर नगरी चौपट राजा, हास्य व्यंग प्रधान काव्य आदि किए हैं, आदि की रचना की है। इन्होंने बहुत, इनकी विशेष उपस्थितियां आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंद्र बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। उन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ। इनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्पावस्था में 6 जनवरी 1885 में हुआ। चलिए महिमा आप सुनाएंगे। महिमा भारतेंदु हरिश्चंद्र सितंबर 1885 के प्रतिष्ठा हुआ था। अल्पा के माता पिता का तो स्कूल शिक्षा सेवा असमर्थ, घर पर रहकर ही मराठी, हिंदी, मराठी, बंगला, उर्दू तथा बहुत अच्छा ग्रंथ भी की। उस ग्रंथों में दान, प्रेम तरंग, प्रेम लाभ, कृष्ण श्रृंगार, भारत, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, बंदर सभा, बकरी का विलाप, अंधेर नगरी, चौपट राजा, हास्य व्यंग प्रधान काव्य है। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि, इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1850 को हुई। चलिए बेटा, तो भारतेंदु जी जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कई भागों में बांटा गया है। तो वह जो बहुत ही प्राचीन समय का इतिहास था उसको आजकाल के नामों से बांटा गया। इसके बाद बीता है उत्तर मध्य काल ना, उसके बाद आता है भक्तिकाल, उसके बाद उत्तर मध्य काल। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उसी आधार पे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को काल का विभाजन हुआ। तो जो हम आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई, यानी इससे पहले हिंदी भाषा खड़ी बोली नहीं थी, बल्कि बहुत सारे कवियों ने अवधी भाषा में और किसी ने ब्रज भाषा में, किसी ने पंचवेली खिचड़ी, जैसे कबीरदास को ले लीजिए, इनकी भाषा को पंचवेली खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है क्योंकि उसमें राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी और ब्रज तमाम भाषाओं के शब्द मिले हैं। यानी खड़ी बोली जो आजकल हम जो बातचीत में प्रयोग कर रहे हैं या गद्य पद लिखने में जो प्रयोग किया जा रहा है, इसकी शुरुआत जो है भारतेंदु जी द्वारा ही हुई है। जब भारतेंदु जी आए तो इन्होंने हिंदी साहित्य को खड़ी बोली गद्य के रूप में विकसित किया, इसीलिए इनको जो है आधुनिक साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये बेटा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी। बहुमुखी मतलब ये जो भी साहित्य की जो विधाएं होती हैं, जिसके बारे में आप लोगों को एक बार बताया भी गया था, जैसे गद्य की विधा होती है, कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, डायरी है, रिपोर्टाज है ना, बहुत सारी विधाएं होती हैं।
तो ये सभी विधाओं में नाटक उपन्यास जो मेन विधा है कहानी नाटक उपन्यास इन्होंने सब पर अपनी कलम यानी लेखनी चलाई है। ये नाटक भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं, कहानी भी उपन्यास भी और फिर हास्य व्यंग प्रधान कविताएं भी लिखे हैं और हास्य व्यंग प्रधान नाटक भी इन्होंने लिखा है। इसीलिए इनको बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना गया यानी अपने युग युग में जो भारतेंदु इनके नाम से ही एक आधुनिक साहित्य का इतिहास में भारतेंदु युग ही पड़ गया क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी रचनाएं की। यस मैम। तो ये बेटा अब इतना बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने गए तो इन्हें खुद को बहुत ही परिश्रम इन्हें करना पड़ा है। आप लोगों ने ऐसा कि पढ़ा अभी कि इनके माता पिता का छत्र छाया इनके 5 साल की अवस्था में ही उठ गई। अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं 5 वर्ष का बच्चा बहुत होगा कक्षा 1 में पढ़ता होगा है कि नहीं और माता पिता की छत्र छाया सिर से उठ जाए उसके बाद भी इन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा स्वाध्ययन यानी अपने अध्ययन के बलबूते। अभी आप लोगों को क्लास न करना पड़े खुद घर पे बैठ के पढ़ना पड़े तो एक अच्छा नहीं पढ़ना चाहोगे लेकिन वो 5 साल का बच्चा और स्वाध्ययन के द्वारा मराठी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सारी भाषाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया तो ये जो है चमत्कार ही माना जाएगा इसको कि उसने स्वाध्ययन के द्वारा इतना जो है ज्ञान प्राप्त किया और फिर इस कविता लेखन इनको विरासत में मिली। इनके पिता गिरधारी लाल के नाम से कविता लिखते थे और जो कहा जाता है कि उत्तराधिकारी के रूप में बहुत कुछ व्यक्त को मिलता है तो कविता लेखन की कला इन्हें अपने विरासत से मिली है पिता के द्वारा 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कविता लिख के उनको सुनाया था कविता कहकर। इसके बाद इनका स्वभाव बहुत ही कोमल था ये दानी स्वभाव के थे किसी का दुख दर्द इनसे देखा नहीं जाता था क्योंकि छोटी अवस्था में इनके माता पिता चले गए थे तो इससे इनका हृदय बहुत उदार था तो जो भी कविता लिख कहानी लिखते थे जो उनकी प्रकाशित होती थी जो कुछ पैसा मिलता था कोई भी व्यक्ति आ जाए दुखियारी तो उसको दे देते थे इसलिए हमेशा कष्ट में ही इनका जीवन व्यतीत हुआ। 50 में जन्मे और 85 में खत्म हुए यानी इनके जीवन का सफर केवल 35 वर्ष का था। उसी उतने ही अवस्था में इन्होंने युग निर्माणकर्ता बनकर दिखा दिया इतनी इनके अंदर प्रतिभा थी। तो अभावग्रस्त होने के कारण ये क्षय रोग की शिकार हो गए और फिर अल्पावस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगर शायद इनको 60 साल तक का जीवन मिला होता तो पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी कविता कहानी उपन्यास से लिखते। आप लोग पढ़ोगे आगे चल के बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी उपन्यास कविता इनकी है। फिलहाल आपके बुक में रामायण से संबंधित एक कविता है दशरथ विलाप। अब दशरथ का नाम सुनते ही आप लोग को पता चल गया होगा दशरथ कौन थे। क्यों गौरव बता सकते हो दशरथ के बारे में? राम भगवान के पिता। हाँ कुछ बताइए उनके बारे में कोई जानकारी हो आपको। राम भगवान के पिता थे। बस इतने इतने से उनका नाम है और भी कुछ चक्रवर्ती को कहा गया। देखिए आप मखौला धाम का गेट बना है कभी देखे हो कि नहीं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ द्वार है ना। चक्रवर्ती किसको कहा जाता था? मैम दशरथ चक्रवर्ती उस राजा को उपाधि दी जाती थी जिसका जो है पूरे साम्राज्य में कोई उस मतलब उसके सामने खड़ा होने वाला नहीं होता था अर्थात सब उनके अधीन कार्य करते थे। तो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे। आपका सौभाग्य है कि आप उसी क्षेत्र के हो जहां दशरथ जी का साम्राज्य फैला हुआ था जहां दशरथ जी ने अपना पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया है ना।
तो इनकी जो है कोई संतान नहीं थी पहले, तो बहुत दुखी थे। तो इन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलवाया और पुत्र प्राप्त के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि की सहायता से पुत्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न किया। कहाँ पर किया? मखौड़ा धाम, जो आपके करीब ही है ना। तो जब यहाँ यज्ञ हुआ तो इस यज्ञ के फलस्वरूप दशरथ जी को चार पुत्रों की प्राप्त हुई। कौन कौन थे? अखिलेंद्र। चार पुत्र कौन थे दशरथ के? नन, श्री राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न तो ये चार पुत्र इन्हें प्राप्त हुए। इनका नामकरण हुआ, पढ़ने गए, पढ़ लिख के सभी विद्या में निपुण होकर ये आए। उसके बाद इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, सीता स्वयंवर में राम गए, राम और लक्ष्मण गए, वहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था, वहां उन्होंने शिव जी का धनुष उठाया, तोड़ा और सीता से फिर इनकी शादी हुई। फिर ये राजमहल में, यानी इनकी नहीं हुई, चारों भाइयों की हुई। सीता तो मेन थी क्योंकि धनुष यज्ञ उन्हीं के कारण हुआ था, लेकिन शादी फिर चारों भाई के साथ ही होती है, साथ ही जन्मे, साथ ही पढ़े, साथ ही दोनों चारों की शादी हुई। इसके बाद आकर अयोध्या में सकुशल राज कर रहे थे। तो कुछ जो होली होता है, भाग में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, ऐसा ही कुछ विडंबना थी कि जो कैकेयी के मन में राम को वनवास, उनका राज तिलक होने वाला था, तो कुछ कारणवश जो है इन्होंने दो वरदान प्राप्त किए थे दशरथ जी के, उसी वरदान के फलस्वरूप इन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ का राज तिलक मान लिया, है ना। कहानी जान रहे हो, थोड़ा सार कर बताना है क्योंकि इसके आगे आपकी कविता शुरू होगी जो तो इसी से संबंधित है। तो जब इन्होंने मान लिया तो उस समय भरत अपने ननिहाल में थे, तो राम तो चले गए वनवास के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ। बहुत मना करने के बाद भी सीता जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी नहीं माने, इनके साथ चले गए। और भरत अपने ननिहाल थे, भरत और शत्रुघ्न, और राम के चले जाने से पिता दशरथ जी बहुत दुखी हुए, और जो दुखी होकर उन्होंने विलाप किया है वही विलाप आपके इस कविता में सुनाई देगा, ठीक है। कविता आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है, रामायण का ही इन्होंने पढ़कर जो सुना था उसी को अब खड़ी बोली के रूप में यहाँ लिखा है। तो थोड़ा सा हम शुरुआत कर दें, ठीक है। यस मैम। चलिए। कहा होए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर मुझको सिधारे। तो विलाप करते हुए महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हे राम, हे मेरे प्यारे राम, तुम इस समय कहाँ हो, तुम मुझे छोड़कर किधर सिधार गए, अर्थात कहाँ चले गए, यानी मुझे इस अवस्था में तड़पता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चले गए। बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी के देखने को मैं बचा था, यानी इस वृद्धावस्था में मुझे यह भी दिन देखना था, अर्थात मैं इसी दिन को देखने के लिए मैं जिंदा था, यानी पुत्र वियोग का दुख इस वृद्धावस्था में मुझे देखना था, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है देखने के लिए मैं जीवित बचा हूं। छिपाई है कहाँ सुंदर ओ मूरत, दिखा दो सांवली से मुझको सूरत। तुम अपनी वह सुंदर सावली मूरत कहाँ छिपा कर रखे हो, जल्दी से आकर मुझे अपनी सूरत को दिखा दो, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारी सूरत देखने के लिए तड़प रहा हूं। छिपे हो कौन से पर्दे में बेटा, निकल आओ कि अब मरता हूं बुढ़ा। यानी आधी अवस्था बीत जाने पे ही तो राम हुए थे दशरथ जी के,
और फिर उनका शादी हुआ, आए उनका रास्ते में खुले जा रहा था, उनको वनवास मिला। तो ऐसी अवस्था में दशरथ जी की आयु वृद्धा अवस्था में पहुंच चुकी थी। तो वही वो विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र राम, किस पर्दे के पीछे तुम जाकर छिप गए हो। जैसे कोई नाटक का पर्दा और पीछे छिप जाए, न दिखाई दे, लगता है तुम किसी पर्दे के पीछे जाकर छिप गए हो। जल्दी से उस पर्दे के पीछे से निकल आओ, नहीं तो तुम्हारा या बुढ़ा बाप तुम्हारे वियोग में मर जाएगा। उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। उन्हें लग रहा था अभी मैं पुकारूंगा तो राम पर्दे के पीछे से चले आएंगे। बुढ़ापे पर दया जो मेरे करते, तो वन की ओर क्यों तुम पग धरते। फिर उलाहना भी दे रहे हैं राम को कि यदि तुम मेरे बुढ़ापे पे मुझ पे दया करते, तुम्हारे अंदर मेरे लिए दया होती कि मैं बुढ़ा हूँ, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य होता है कि वृद्ध माँ बाप की सेवा करे। ऐसे समय में अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति दया होती तो तुम मुझे छोड़कर न जाते, यानी वन की तरफ तुम एक कदम भी न रखते। लेकिन राम तो पिता का आदेश का पालन करना था, वन वास जो मिला था उस आदेश को मान के ही तो गए थे छोड़ के। तो इसलिए यहाँ पर उनकी पिता की आज्ञा, पिता के वचन भंग न हो, इसलिए उनको अपना हृदय पत्थर बनाकर और पिता को त्याग कर वो वन की तरफ गए हुए थे। तो यहाँ पर दशरथ जी विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर वह वन है जिसमें राम प्यारा, अयोध्या छोड़कर सोना सिधारा। अयोध्या ये आपका जो है तद्भव शब्द का है। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि वह वन कहाँ है जहां पर मेरा प्यारा राम है। अयोध्या को सूनी करके उस वन में चला गया है, जिस वन में चले गए हैं वह वन कहाँ है जहां मेरे राम इस समय अपने कदम रखे हुए, अर्थात जिस वन के गए हुए हैं अयोध्या को सूना करके, वह वन कहाँ है। गई संग में जनक की जो लली है, बुक शेयर कर दे, वैसे तुम लोग के पास होगा। हाँ बेटा, बुक रखे हैं लेकिन भूल गए, पढ़ाने लगे, बुक शेयर भी नहीं किया आप लोगों को। दिख रहा है ना? नो मैम। नहीं दिखा? नो मैम। मैम दिख गया। चलिए ध्यान दीजिएगा कि धर वह वन में वन है जिसमें राम प्यारा, अयोध्या छोड़कर सोना सिधारा, यानी वह वन कहाँ है जहां पर राम प्यारे अयोध्या को सोना करके, अयोध्या को सोना छोड़कर उस जिस वन में चले गए हैं वह वन कहाँ है। गई संग में जनक की जो लली है, इसी में मुझको और बेकली है। जनक की लली यानी जनक की लाडली सीता, लली किसको कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। तो जिसके साथ में जनक की पुत्री गई हुई है, यही सोचकर इसी से मुझे और भी व्याकुलता, बेकल यानी व्याकुलता है, मुझे ज्यादा व्याकुलता इसलिए हो रही है कि राम के साथ में जनक की पुत्री सीता भी गई हुई है। यही मेरे व्याकुलता का सबसे बड़ा कारण है कि राम के साथ साथ सीता भी वन में चली गई है। कहेंगे क्या जनक यह हाल सुनकर, कहां सीता कहां वह वन भयंकर। यानी जब राजा जनक को इस हाल का यानी यह खबर सुनेंगे कि राम को वनवास हो गया है और सीता भी उनके साथ गई है, तो यह हाल सुनकर वह क्या सोचेंगे? कहां सीता, कोमल फूलों की पलना में पलकर बड़ी हुई सुकुमारी सीता, और कहां वन के भयंकर दुखों को वह कैसे झेल रही होगी। है यह सोचकर दशरथ का हृदय बहुत बहुत ही व्याकुल हो रहा है।
गया लक्ष्मण भी उनके साथ ही साथ तड़पता रह गया मैं मलते ही हाथ। मैं हाथ मलता रह गया, तड़पता रह गया, बहुत रोकने की मैंने कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर राम के साथ, मुझे तड़पता हुआ छोड़कर राम के साथ चला गया। यानी उसने भी मेरा कहा नहीं माना। बनवास तो राम को मिला था ना, लक्ष्मण को तो नहीं मिला था, लेकिन लक्ष्मण भी मेरा कहा नहीं माना। मैं बहुत समझाता रह गया, हाथ मलते रह गया, लेकिन मुझे तड़पता हुआ छोड़कर वह भी राम के साथ चला गया। मेरी आंखों की पुतली कहाँ है, बुढ़ापे की मेरी लकड़ी कहाँ है। देखिए बच्चों, माँ बाप के आंखों की पुतली, आंखों की पुतली, पुतली क्या होती है, पुतली जानते हो आप लोग? आंखों की पुतली कौन सी भाग को कहती है? मुस्कान मैम, काले भाग। हाँ, तो माँ बाप के बच्चे जो होते हैं, माँ बाप के आंखों की पुतली होते हैं, आंखों के तारे होते हैं, है ना। तो वही यहाँ दशरथ जी विलाप करते हुए कह रहे थे, मेरे आंखों की पुतली राम कहाँ है। बुढ़ापे की लकड़ी को भी बाप, माँ बाप के बुढ़ापे की लकड़ी बच्चे होते हैं, यानी बुढ़ापे की सहारा। बुढ़ापे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापे की सहारा, बुढ़ापे का सहारा। तो मेरे आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लकड़ी यानी राम इस समय कहाँ है। मैं उसके वियोग में तड़प रहा हूँ। कहा, कहा ढूंढो मुझे कोई बता दो, मैं उनको कहाँ पर ढूंढूं, कोई तो मुझे बता दो कि मैं राम को कहाँ ढूंढूं, इस समय राम कहाँ है। मेरे बच्चों को बस मुझसे मिला दो, यानी जो मेरे बच्चे, यहाँ बच्चे बहुवचन शब्द है, बच्चे में राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग आ गए ना, तीनों तो छोड़ के गए हुए उनको, वही वो कह रहे हैं कि मैं उनको कहाँ ढूंढूं, कोई मुझे बता दो, कोई मुझे मेरे बच्चे से मिला दो, मैं उसके मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। लगी है आग छाती में हमारे, यानी बच्चों से जुदा होकर मेरे सीने में जो आग लगी हुई है, बुझाओ कोई उनका हाल कहके। वह आग कैसे बुझेगी, जब कोई मुझे आके उनका हाल बताएगा कि वे सही सलामत हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, है ना। तो उनके वियोग से जो मेरे सीने में आग लगी हुई है, कोई उनके खबर लाके उस आग को बुझा दे। मुझे सूना दिखता है जमाना, कहीं भी अब नहीं मेरा ठिकाना। मुझे यह जमाना सूना दिख रहा है, यह जग, जमाना यानी जग, मुझे सूना दिख रहा है, मेरा अब इस संसार में, इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं रह गया है। क्योंकि जब मेरे राम मेरे पास नहीं, तो अब मुझे जीने की चाहत भी नहीं है, न मुझे कहीं कोई ठिकाने की जरूरत ही है। बच्चों बेटा, आज के लिए बस इतना ही, एक बार इसको आप लोग दोहरा लेंगे, है ना, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, दूसरे बच्चे मेरी इंतजारी कर रहे होंगे। आप लोग का सेशन लेट से शुरू हुआ है, आज यही दोहरा लीजिएगा, अगले सेशन में फिर चीज रिपीट करके और आगे फिर पढ़ाएंगे। तो आज का वर्क आपको रहेगा संदर्भ सहित व्याख्या, देखिए आप लोग कितना व्याख्या कर पाते हो, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखोगे आज, ठीक है, इतने का ज्यादा हो जाएगा आपको। कितने का? आठ लाइन की लिखोगे, ठीक है, 8-5 तेरा लाइन है, या तो 6 ही लाइन, 7 लाइन का लिखो, सिधारा तक का लिखोगे, 6 लाइन का, ठीक है, 6 लाइन का सही व्याख्या। यस मैम। बाकी जो लाइन बचेगी उसको फिर याद रखेंगे, मंडे को सुना जाएगा फिर, ठीक है। यस मैम। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं, गुड बाय।